हे टू एवरी वन, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल HOD। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। इसका टाइटल है व्हाट इज भेल, और आज हम एक और टॉपिक कवर करेंगे इसी वीडियो में, जो कि है MPPSC। मतलब कि आज का वीडियो एक हिसाब से थोड़ा फैक्ट के बारे में होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो पहले हम बात करते हैं भेल। आपने एहलाम भेल पहले भी सुना होगा। चलिए आज हम बात करते हैं भेल है क्या। भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक कंपनी है, जो कि भारत सरकार के द्वारा ओन्ड कंपनी है, जो कि इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस है, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। भेल भारी औद्योगिक मंत्रालय इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में काम किया करती है। 1956 में भेल को स्थापित किया गया था, और भेल भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस इक्विपमेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा भेल द्वारा ही बनाए जाते हैं। भेल जो पावर जनरेशन इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करता है और जो चीज़ें बनाता है उनमें गैस एंड स्टीम्स, टर्बाइन्स, बॉयलर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, लोकोमोटिव्स, सेंसर्स, ऑटोमेशंस एंड कंट्रोल सिस्टम्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसमिशन सिस्टम जैसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो भेल का टोटल रेवेन्यू है वो 2.9 बिलियन $ था 2020। चलिए तो भेल के अब थोड़े हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि भेल कंपनी स्टार्ट कैसे हुई। तो जो भेल की स्थापना थी वो 1956 में भारत में हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की शुरुआत में हुई थी। हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 1974 में भेल में मर्ज कर दिया गया था। जब 1956 में भेल को सेटअप किया गया था, तब भेल को एक प्लान मैन्युफैक्चरिंग PSU की तरह बनाया गया था, जो कि सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजी हेल्प के साथ बनाया गया था। 1990 में भेल एक थायरिस्टर प्रौद्योगिकी में एडवांस्ड था। 1991 में भेल को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया, और फिर टाइम के साथ साथ भेल में ट्रांसमिशन, परिवहन, तेल और गैस और अदर रिलेटेड इंडस्ट्रीज से विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के वैद्युत, इलेक्ट्रिकल और यांत्रिक उपकरणों का उत्पादन करने की क्षमता को विकसित किया गया। लेकिन इस टाइम तक कंपनी के राजस्व का जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो अभी भी बिजली उत्पादन उपकरण यानी कि इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस इक्विपमेंट लाइक की टरबाइन और बॉयलर्स की सेल से ही आया करता था। 2017 के अंदर इक्विपमेंट सप्लाई बाय भेल कॉन्स्टिट्यूटेड अराउंड 55% ऑफ द टोटल इंस्टॉलेड पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ भेल जो है वो इंडियन रेलवे और इलेक्ट्रिक इंजन और डिफाइन इक्विपमेंट जैसे कि सुपर रैपिड गन माउंट को भी बनाया करती है, जो कि आयुध निर्माणी बोर्ड और भारतीय सशस्त्र बलों के सेम्युलेटर के साथ साझेदारी में करती है। भेल के द्वारा बनाई गई कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि भेल द्वारा बनाया गया WAG-7 माल ढुलाई गाड़ी, 6000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, WAG-9H1 ये जो है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के साथ अत्याधुनिक एडवांस इंसुलेटेड गेट वाइलोपर ट्रांजिशन डिपेंड 3 फेजेस प्रोपल्सन सिस्टम विद रीजेनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम, 2 सीट ट्रेनिंग मोनोपैल और सुपर रैपिड गन माउंट जो कि भेल द्वारा बनाई गई हैं। भेल की इकोनॉमी की जो प्रमुख एरियाज हैं उनके लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमिश्निंग एंड सर्विसिंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अंदर में आया करते हैं। सिस्टम और सर्विस इकोनॉमी के कोर सेक्टर्स के लिए, एग्जाम्पल के लिए पावर ट्रांसमिशन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, रेनेबल एनर्जी, ऑयल एंड गैस और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आया करती हैं लाइक डिफेंस। चलिए अब हम बात थोड़ी MPPSC के बारे में कर लेते हैं। MPPSC जो कि एक मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम है उसके बारे में है। एग्ज़ाम जो होता है MPPSC के द्वारा, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना MP के लाखों युवाओं यानी यूथ स्टूडेंट का सपना है। ये जो MPPSC है वो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च एग्ज़ाम कमीशन है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसे कि MPPSC के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश राज्य की एक राज्य सरकार की अगुवाई वाली एजेंसी है। इसका जो गठन है वो राज्य और संघ लोक सेवा आयोग
के आर्टिकल 315 के अंडर किया गया था। MPPSC MP के अंदर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम और अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया करती है। MPPSC स्टेट लेवल पर वेरियस सिविल सर्विसेज और डिपार्टमेंटल पोस्ट पर डायरेक्ट भर्ती भी किया करती है। MPPSC के कुछ और फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं। MPPSC को 1 नवंबर 1956 में फॉर्म किया गया था, अप्रॉक्स 65 साल पहले। MPPSC का जो हेडक्वार्टर है वो इंदौर में है, मध्य प्रदेश में। और MPPSC के कमीशन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करें तो राजेश लाल मेहरा चेयरमैन हैं, वंदना बिधा IAS सेक्रेटरी हैं और अजय देव शर्मा डिप्टी सेक्रेटरी हैं। MPPSC का प्रेजेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पेरेंट कमीशन UPSC है। MPPSC का इतिहास पूर्व राज्य आयोग मध्य भारत आयोग से शुरू होता है, जो 1954 और 1956 तक काम कर रहा था। MP के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आर्टिकल 315 और धारा 118(3) के तहत नया आयोग अस्तित्व में आया। यदि हम MPPSC के कामों की बात करें तो स्टेट के अंदर सिविल सर्विसेज की सीधी भर्ती करना, किसी भी विभाग में स्टेट लेवल ऑफिसर्स को प्रमोशन करना, एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र और विभागीय सेवाओं में ट्रांसफ़र करना, ये सब काम MPPSC के अंदर आया करते हैं। आई होप आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।